हे दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट टेक्निकल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल ट्रेंड लाइंस आप कैसे चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं, उनका यूज़ क्या है, कैसे वो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने में मदद करेंगी, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, उनका यूज़ क्या है और किस तरह से वो चार्ट्स पर काम करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन की। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइंस ऐसी ट्रेंड लाइंस होती हैं जो एक लंबे समय से इफेक्टिव होती हैं। लंबे समय से इफेक्टिव का मतलब कि प्राइजेस उसके ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो प्राइजेस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जा पा रहे, जैसे ही ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंचते हैं वहां से आपको फिर से गिरावट देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो प्राइजेस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट आते ही वहां से बाउंस बैक कर जाते हैं, मतलब वो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है। तो अगर ऐसी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो स्टॉक में काफी अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे मैंने लिया है अजंता फार्मा का स्टॉक, और ये इसका मंथली चार्ट है। और आप देखें तो ये जो स्टॉक है अक्टूबर 16 में इसमें टॉप बनाया था, और तब से हमें स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी फेब 19 चल रहा है, तो करीब 2.5 साल से ज़्यादा इस स्टॉक में गिरावट हम देख रहे हैं। और स्टॉक का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो लोअर लो लोअर हाई इसका स्ट्रक्चर है, तो स्टॉक एक मंदी में है। तो इसकी जो हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे वो इसके हाईज को कनेक्ट करके करेंगे। तो देखिए, पहला हाई हम ये लेंगे और दूसरा हाई हम ये लेंगे, और इसे कनेक्ट करके हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जब स्टॉक में गिरावट आई उसके बाद हमें तेजी देखने को मिली, और वो तेजी ट्रेंड लाइन के आसपास आते ही खत्म हो गई और स्टॉक में फिर से गिरावट देखने को मिली। फिर से स्टॉक में तेजी आई और जैसे ही वो ट्रेंड लाइन के पास जैसे ही प्राइसेस आए फिर से हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। तो ये जो ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, ये करीब 2.5 साल से ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक नहीं हुई है, प्राइजेस उसके नीचे चल रहे हैं। और अगर इस ट्रेंड लाइन से हमें ब्रेक यहाँ पे प्राइजेस अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोज हो पाते हैं तो हो सकता है स्टॉक में हमें रिवर्सल देखने को मिले। अब बात करते हैं कि आप मल्टीपल ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और वो आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि कितने इफेक्टिव होती हैं मल्टीपल ट्रेंड लाइंस और कैसे वो फ्यूचर में सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूंगी सपोर्ट और रेसिस्टेंस का। जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो आने वाले मूव के लिए रेसिस्टेंस का काम करता है, और जब कोई रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो आने वाले मूव के लिए सपोर्ट का काम करता है, राइट? तो अपोजिट हो जाता है, सपोर्ट ब्रेक होगा तो वो रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, और अगर रेसिस्टेंस ब्रेक होगा तो वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो चलिए कुछ मल्टीपल ट्रेंड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं। तो आप देखिए, स्टॉक में जो हमें तेजी देखने को मिली थी वो मिली थी जनवरी 13 से, राइट? जनवरी 13 से, और स्टॉक में जो हाई बना था अक्टूबर 16 में बना, तो करीब 4.25 साल स्टॉक में हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। 180 से 2125 तक गया था, करीब 10 गुना से ज्यादा स्टॉक ने रिटर्न दिया था। तो चलिए ड्रॉ करके देखते हैं मल्टीपल ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से स्टॉक तेजी में था तो हम स्विंग लोज को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्विंग लोज जो मुझे यहाँ दिख रहा है, पहला ये और दूसरा ये, इसको कनेक्ट करके हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये दोनों ट्रेंड, ये स्विंग लोज को हमने कनेक्ट किया और ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड किया, तो आप देखेंगे प्राइजेस उस ट्रेंड लाइन के अभी आसपास आ चुके हैं, राइट? यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन देखें तो प्राइजेस ट्रेंड लाइन से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं, तो ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ के मूव के लिए इनफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि प्राइजेस जब ऑलरेडी इतना दूर हो चुके हैं तो ट्रेंड लाइन को बैक टेस्ट करने के लिए उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी, राइट? सो उसके लिए हम फिर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, हमने ये वाले पॉइंट से, अब इसी पॉइंट को लेके हम इस पॉइंट से कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये पॉइंट और ये स्विंग लो को हमने कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट को लेके ड्रॉ करी। तो ये देखिए, जब हमने यहाँ से इस स्विंग और इस स्विंग को कनेक्ट किया, ये ट्रेंड लाइन आगे एक्सटेंड हुई, तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। और दूसरी बार जब प्राइजेस में तेजी आई तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमें रेसिस्टेंस देखने को मिला और प्राइजेस में हमें फिर से गिरावट देखने को मिली। और एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी थी ये स्विंग लो और ये स्विंग लो, तो आपने देखा कि
तो आपने देखा यहाँ पे स्टॉक ने जब प्राइसेस यहाँ इस ट्रेंड लाइन के पास आए तो स्टॉक में एक बाउंस आया, थोड़ी सी तेजी आई और सेकेंड टाइम फिर ये ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक होती हुई नजर आई, राइट। और उस ब्रेक के बाद हमें अच्छी खासी स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। तो पहली बार इस जो प्राइजेस इसके पास आए तो ये सपोर्ट की तरह इसने काम किया और दूसरी बात यहाँ से हमें ब्रेक होता हुआ मिला। तो आपने देखा कि मल्टीपल ट्रेंड लाइंस बहुत इफेक्टिव है और ये जो ट्रेंड लाइंस आप देख रहे हैं इन ट्रेंड लाइंस को कहते हैं एंगुलर ट्रेंड लाइंस। एंगुलर ट्रेंड लाइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सर्टेन एंगल्स पे होती हैं, राइट। कि ये वाला जो एंगल है ये थोड़ा शेलो है और ये वाला एंगल थोड़ा स्टीप है और ये वाला एंगल काफ़ी ज़्यादा स्टीप है। तो इसके बेसिस जो ट्रेंड लाइन के एंगल्स होते हैं उसके बेसिस पे भी काफ़ी सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं और ट्रेडिंग करने के इनके अलग अलग रूल्स होते हैं, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इस वीडियो में हम फिर से बात करते हैं मल्टीपल ट्रेंड लाइंस की। तो आपने देखा कि कैसे ये जो ट्रेंड लाइंस हैं आगे फ्यूचर में एक अच्छा सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करती है और इसमें जो आप ट्रेंड लाइंस हैं वो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आपको मेनली स्विंग्स को कनेक्ट करना है, राइट। तो ये जो ट्रेंड लाइंस थी ये एंगुलर ट्रेंड लाइंस थी और अगर आप ये वाला स्विंग लो और ये स्विंग लो, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमने ये हॉरिजॉन्टल यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, तो आप देख सकते हैं प्राइजेस जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाते हैं, वापस हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ये जो इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो ये स्टॉक है ये कंसोलिडेट कर रहा है, बेसिकली एक रेंज बाउंड हो चुका है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इस रेंज को हम सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, प्राइजेस बार बार उसके ऊपर जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन कई बार ब्रेक हुई है और कई ये जो ट्रेंड लाइन है काफ़ी बार ब्रेक हो चुकी है और प्राइजेस बार बार उसके ऊपर गए हैं और नीचे आ गए हैं, तो इसीलिए ये जो ट्रेंड लाइन है उतनी इफेक्टिव नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम फर्दर इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्टॉक है इस लेवल के आसपास एक रेंज बनाता हुआ नज़र आ रहा है, तो सिंपली हम इसके लो और हाई को मार्क कर देंगे। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइंस हैं आगे वाले आने वाले मूव के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं, क्योंकि अगर हमें इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट मिलता है तो हो सकता है प्राइसेस इस ट्रेंड लाइन की तरफ हमें जाते हुए नज़र आए, राइट। सो ट्रेंड लाइंस बहुत इफेक्टिव होती हैं, आप उसको कैसे ड्रॉ करेंगे मैं आने वाले वीडियोस में आपको और फर्दर एक्सप्लेन करूंगी और फर्दर एग्जांपल्स हम उसमें शामिल करेंगे ताकि आप इस कंसेप्ट को समझ पाए। सबसे बड़ी बात है कि इस ट्रेंड लाइंस को आप और चार्ट्स पे प्रैक्टिस कीजिए, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा ये जो कंसेप्ट है समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के अगर आप करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा किस कोई भी ट्रेड लेना और कोई भी चार्ट को अच्छे से एनालाइज करना। और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आता जाएगा कि कौन सी ट्रेंड लाइंस कितनी इफेक्टिव हो सकती हैं और कब हमें ट्रेंड लाइंस को चेंज करना है और कैसे आप मल्टीपल ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है एक मल्टी टाइम फ्रेम, ये जो देखिए आप ये 2013 से जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी थी यहाँ पे प्राइजेस उसी के आसपास हैं। तो आप देख सकते हैं प्राइजेस उसी ट्रेंड लाइन के आसपास हैं, वहीं ट्रेड कर रहे हैं और उसके लो को हमने मार्क कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन हमने क्रिएट कर दिया। तो ये स्टॉक एक रेंज के अंदर है, जिस भी रेंज की तरफ आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा स्टॉक उसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा, राइट। क्योंकि अगर अभी आप देखें तो ये जो आपकी ट्रेंड लाइन है ये डाउन ट्रेंड लाइन जो है उसी के नीचे प्राइजेस ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी भी ये जो स्टॉक है उसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, बट एक
रेंज, डाउन ट्रेंड में एक रेंज बना रहा है आप देख सकते हैं, क्योंकि आप ये स्विंग देखिए, ये स्विंग काफी बड़ी थी, उसके बाद जो स्विंग्स का साइज है वो कम होता जाता है। जब स्विंग्स का साइज कम होता जाता है तो आइडियली एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये जो स्टॉक है एक रेंज के अंदर अब ट्रेड करेगा, कंसोलिडेट करेगा कोई भी आगे मूव दिखाने से पहले। सो आई होप ये ट्रेंड लाइन्स का कंसेप्ट आपको समझ आया हो, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मार्केट टेक्निकल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मार्केट टेक्निकल्स को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।